गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। थैंक यू एंड वेलकम टू अस। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा क्योंकि मैंने प्रोमोज देखे हैं, बहुत क्यूट प्रोमो है, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। इंदिरा मैम से वही बात कर रहे कि ऐसा लग रहा है कि शो बहुत ज्यादा अच्छा करेगा, टचवुड वो करे भगवान के आशीर्वाद से। प्लीज आप लोग बताइए थोड़ा सा रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों से, फीडबैक से क्या क्या पड़े हैं अभी तक प्रोमो पर। फीडबैक्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और जैसा कि आप लोगों ने कहा दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड इट रियली वेल। तो प्रोमो में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई रही हैं, वो प्रणाली को बहुत अच्छे से जानते ही हैं, और हमें बहुत सारे मैसेजेस आए, कॉल्स आए कि बहुत अच्छा लग रहा है, टेक बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोकेशन बहुत प्यारा है। ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। प्रणाली मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज सभी को प्रोमो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि मैं टीवी सीरियल्स नहीं देखती या देखता, उन्हें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, तो दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अच्छा तो वो भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। तो टचवुड हमें मैं बहुत नर्वस थी जब पहली बार प्रोमो आया था, मैं जितना मुझे मज़ा आया मैं चाहती थी कि ऑडियंस को भी उतना ही अच्छा लगे, और फीडबैक जब पहली बार आपने कहानी सुनी और मेकर्स ने आपको बताया कि ये प्लॉट है, ये ऐसे ऐसे हम कहानी को दर्शाने वाले हैं, ये आपका किरदार है, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आया कहानी को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर? सेम क्वेश्चन गोज टू यू एज वेल प्रणाली। फर्स्ट सर, जब मुझे एक तो बहुत कपल ऑफ राउंड्स हुए हमारे ऑडिशंस के, मॉक शूट्स के, मीटिंग्स के, तो ये लंबा प्रोसेस था। इन चार महीनों में फाइनली जब मैं मॉक शूट में पहुंचा, और मॉक शूट में मुझे हमारी जो क्रिएटिव हैं मिसेस मलिका साहब, मिस मलिका साहब, मिस मलिका साहब, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बोली कि उन्होंने बोला कि अनुराग का जो कैरेक्टर है वो बहुत वल्नरेबल, वो वल्नरेबल किसी और चीज़ के लिए नहीं पर अपने प्यार के लिए, और ऐसा टेक बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पे लड़का भी इक्वली रोए, तो वो चीज़ बहुत रिलेटेबल थी, बहुत अच्छी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी की प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड हैं, सबके डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं, उनके इक्वेशंस बहुत डिफाइंड हैं, राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ओवरऑल इट्स अ पैकेज। या दैट अपील पहली बार जब मुझे ये स्टोरी पिच हुई थी आई वाज जेन्युइनली एक्साइटेड क्योंकि मीना मैम एंड साइबर सर के स्टोरीज के बारे में तो खैर सभी जानते हैं। जब मैंने स्टोरी सुनी थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी क्योंकि ऐसी स्टोरी कभी मैंने की नहीं है, और मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये करने के लिए बिकॉज इट्स इक्वली चैलेंजिंग फॉर मी। मैंने तो तभी सोचा था कि मुझे ये शो करना है, तो आई थिंक स्टोरी मेरे लिए बहुत अपीलिंग थी कि मुझे ये बहुत पसंद आया। सोशल मैसेज का हमारे शो में बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं और एक प्यारी सी लव स्टोरी है उसमें, तो इट्स वेरी हट के, तो आई एम श्योर अभी ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद आएगा जब वो टेलीकास्ट देखेंगे। लेकिन ऑडियंस के मन में सबसे पहला सवाल जब वो एक खूबसूरत एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल उनके मन में ये आता है कि यार ये दोनों पहले कैसे मिले होंगे, सबसे पहले इनकी बॉन्डिंग कैसे आगे बढ़ी, यू नो कैसे कैसे ये लोग क्लोज आए, सारी चीज़ें यू नो एक फ्रेंडशिप बनी, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए आपकी बॉन्डिंग कैसे बनी, कैसे यू नो पहली बार मुलाकात हुई थी, सारी सब बहुत मुश्किल था, अप्रोचेबल ये बिल्कुल भी नहीं थी, हाय बोलो तो हाय ऐसा था तो उनका ऐसा था, और मैं इनके साथ एक मॉक शूट कर चुका था तब से मुझे पता था कि ये तो बिल्कुल नहीं है, बहुत क्यूट है, इज अ क्यूट हार्ट, बहुत प्यारी है, और सच में जैसा कि मैंने पहले भी बताया इंटरव्यू में, हम पहले मिल चुके थे, एक मॉक शूट हमने साथ किया था, और बहुत सालों पहले जब ये एकदम इतनी सी थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इससे कुछ काम नहीं बना था उस शो में क्यों यार, बहुत पहली बार में हम फर्स्ट इंस्टेंस हम कब मिले थे इस शो में जब हम रीड कर रहे थे रीडिंग में, हाँ तो अच्छा था, बहुत मजेदार था। प्रणाली आप बताइए आपका पहला इंप्रेशन इनके शो क्या था? जब मैं उस मॉक शूट पे गई थी आई थिंक आई वाज जस्ट वन शो ओल्ड, आई वाज वेरी न्यू, तो मैं बहुत नर्वस थी मॉक शूट करने के लिए, बट ही वाज देन वेरी काइंड, क्योंकि मैं बहुत रीटेक्स ले रही थी एंड इट वाज मेरे लिए इरिटेटिंग हो रहा था कि मैं
बोधा कर रही हूँ लोगों को कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, बट ही वॉज वेरी काइंड, बहुत शांत थे, उन्होंने अच्छे से किया था. फिर जब हम इतने सालों बाद इस मोक्ष क्या रीडिंग पर मिले थे, तब सबसे पहले इनका रिएक्शन था, डू यू रिमेम्बर? यस आई रिमेम्बर, हमने बहुत साल पहले एक मॉक शूट किया था. तो आइस ब्रेकिंग एज सच तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं, हम ऑलरेडी जानते थे एक दूसरे को. सो इट वाज, और उस समय बहुत डिसेंट लग भी रही थी ना, ये नथिंग, नो लाउड मेकअप, नथिंग. सो इट वाज लाइक या हाय, डरा ना नहीं था. ओके, यू नो आजकल लोगों के पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है. पहले तो सिर्फ एक मीडियम हुआ करता था टीवी, जहाँ पर वो मनोरंजन कर देखते थे सारी चीज़ें, यू नो, फैमिली के साथ बैठकर देखते थे. आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके के कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि इस शो में क्या ऐसा खास है जो लोग टीवी की तरफ स्टिक होकर बैठे या अपने फ़ोन में स्टिक होकर बैठे कि यार ये चीज़ तो देखना ही है 7:30 या 8 बजे जब भी आपका शो. 7:40 ओके. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ पैकेज. कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल, आप जैसे ही देखेंगे आपको आपके परिवार से या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर दिखेगा कि अरे हाँ यार ये ऐसा है हमारे साथ, हमारे साथ हुआ है, या हमारे कोई काका ऐसे हैं, हमारी चाची ऐसी हैं. और बैकड्रॉप हमारा राजस्थान का है, तो पूरी कोशिश की गई है कि ऑथेंटिसिटी पूरी वैसी रहे, मेनटेन रहे, बी इट कॉस्ट्यूम्स, बी इट सेट. हम आउटडोर लोकेशन पर शूट भी किया हमने, और बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी, बहुत लेयर्ड लव स्टोरी है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कि प्यार हो गया और किसी भी डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वो हमारे घर में आई रही, बहुत डिफाइंड है. बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत काम किया गया है, और लीना जी के कलम में खैर जादू है. बिल्कुल. तो वो जादू सबको नजर आएगा, आई एम श्योर नजर आएगा, और सबको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये शो हटके है, इसमें कॉमेडी है, इसमें रोमांस है, इसमें ड्रामा है, सोशल ड्रामा है, तो हर तरीके का इमोशन है इस शो में. तो आई एम श्योर कुछ रेपिटेटिव नहीं लगेगा, सब कुछ एकदम फ्रेश लगेगा, स्टोरी बहुत फ्रेश है. आप दोनों ने पहले शोज किए हो और आप दोनों को पहले शोज में बहुत ज्यादा प्यार मिला है, बट क्या लगता है कितना आपके फैंस या ऑडियंस ये फ्रेश कपल को एक्सेप्ट करेगी, और क्या लगता है व्हाट विल बी द फीडबैक? प्रोमो के अराउंड तो बस अच्छा है मैम, आई थिंक पीपल हैव लव्ड अस. हमने तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश की है, प्रोमो में तो बहुत अच्छे फीडबैक्स आए, तो आई एम श्योर टेलीकास्ट में भी लोगों को बहुत पसंद आएगा. आई होप पसंद आए. बिल्कुल. लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? आप आइए 16 इसी महीने के 16 सितंबर को 7:40 पर कलर्स पे, मंडे टू संडे. कोई कंफ्यूजन नहीं, अनोखी प्रेम का Yes. Thank you. Thank you.